हिंदुस्तान न्यूज टुडे में आपका स्वागत है। बड़ी खबर, राजगढ़ अलवर सिकंदरा मेगा हाईवे मार्ग स्थित हुंडीवाला सर्विस स्टेशन पर रिलायंस पेट्रोल पंप पर बुधवार साय करीब 8:30 बजे 3 नकाबपोश लुटेरों ने पेट्रोल पंप सेल्समैन से पिस्तौल की नोक पर करीब 40,000 रुपए की राशि लूट ली। मिली जानकारी के अनुसार 3 नकाबपोश बदमाशों ने अलवर सिकंदरा मेगा हाईवे मार्ग स्थित ग्राम बावड़ी के समीप हुंडीवाला सर्विस स्टेशन पर रात्रि को अज्ञात लुटेरों ने सेल्समैन से हथियार की नोक पर लूट को अंजाम दिया। पेट्रोल पंप मैनेजर पप्पी मीना ने बताया कि बुधवार की रात्रि करीब 8:30 बजे एक कार में 3 युवक सवार होकर आए। सेल्समैन को कार में 1900 रुपए का पेट्रोल डालने के लिए कहा, जिस ओर सेल्समैन ने कार में पेट्रोल डाल दिया। पेट्रोल डालने के पश्चात पैसे मांगे तो एक युवक ने कहा कि उनका आदमी बाथरूम करने के लिए गया है, वो आकर पैसे देगा, अन्यथा फोन पे कर देंगे। उन्होंने बताया कि एक लुटेरा सेल्समैन के पास खड़ा था, वह दूसरा गाड़ी से उतरा और दोनों लुटेरों ने सेल्समैन के पिस्टल लगाकर मोबाइल छीन लिया। सेल्समैन के ऊपर हाथ कराकर सेल ऑफिस में ले गए। वहां उन्होंने बैठे मैनेजर से कैश मांगा तो मैनेजर ने कहा कि कैश राजगढ़ भिजवा दिया गया है। इस पर लुटेरे ने कहा कि कैश तुम्हारे पास है। वही सेल्समैन ने मैनेजर पप्पी मीना से कहा कि उसके पिस्टल लगाई हुई है, आप कैश दे दो। इस पर लुटेरों ने मैनेजर से मारपीट करते हुए रैक में रखे करीब 38,000 रुपए निकाल कर सेल ऑफिस से बाहर आ गए। वही दूसरा सेल्समैन जो ट्रैक्टर में फीलिंग कर रहा था, उससे भी 2,700 रुपए लूट लिए और गाड़ी में बैठकर फरार हो गए। मैनेजर ने इसकी सूचना पेट्रोल पंप मालिक व पुलिस को दी। इस पर पुलिस पेट्रोल पंप पर पहुंची, जहां सीसीटीवी खंगाले जिनमें लुटेरे साफ दिखाई दे रहे थे। पुलिस ने स्थिति का जायजा ले नाकेबंदी करवाई। इस संबंध में कस्बे के कुंड मोहल्ला निवासी संजय कुमार गुप्ता पुत्र मनोहर लाल गुप्ता ने रिपोर्ट 2,280 रुपए छीन कर उसको सेल्स रूम तक लाकर उन्होंने पप्पूराम मीना से 31,177 रुपए छीन कर फिर दूसरे सेल्समैन छोटेलाल मीना से 2,700 रुपए छीन कर गाड़ी में बैठकर अलवर दिशा की तरफ भाग गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी। बाइट पप्पी मीना मैनेजर, आपके क्षेत्र की ताज़ा अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूले। देखते रहिए हिंदुस्तान न्यूज़ टुडे।